तुम हो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हाल तमाम तफसील लेकर आया हूं। हुक्म जल्दी पहुंचने का है, अब अपने यहां से चलना चाहिए। रोटी तो खाकर जाएं, सफर लंबा है। ऐसा करें साथ ले जाएं। हाँ ठीक है। बख्तावर तो कपड़ा लाना। आपकी मेहमान नवाजी बहुत याद आएगी। चलो यहां मौला मदद। अल्लाह यमान। ये सूरत हाल हम सबके लिए अफसोसनाक है। मसला एक सरदार का नहीं, उनके मोतबरीन का नहीं, बल्कि कौम के तमाम कबाइल और उनकी माल मवेशियों की जिंदगी का है। सरदार आपकी सोच काबिल सताइश है। दर हकीकत नई राहों की तलाश हमारी अहम तरीन जरूरत है। इसी मकसद के लिए हमने सीस्तान से ही ताकि हम अपनी शाखें दूर दूर तक फैला दें। अगर हालात में कुछ तो बहरहाल बहर सूरत करना है और इसी में बेहतरी और भलाई है। लेकिन उस कूच से क्या फायदा, एक अजदहे के मुंह से बचने के लिए दूसरे अजदहे की पनाह ली जाए। हमें फसलत की बजाय तदब्बुर से काम लेना होगा। हाल है जी, 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 जी। हाल दो कि तुमने सीवी और कच्ची के इलाके को कैसे पाया। सरदार अल्लाह की अमान और आपके सर की सलामती। जो कुछ सुना था से बढ़कर पाया। सेवी और कच्ची की चरागाहों पर सब्जा बरसता है, फसलें तैयार खड़ी हैं और पानी आप हयात। सरदार मेरी राय है कि हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर यहां से कूच करना चाहिए। लेकिन अमर नहानी मेरा फैसला तुमसे मुख्तलिफ है। क्या आप हमें अपने फैसले से आगाह करना चाहेंगे? बिजार खान मेरा फैसला है कि बलोचों की बहादुरी और फतह की इस निशानी को माले मतलू का नहीं बनने दूंगा। मैं इस इलाके के इंतजाम किसी के सपुर्द करके ही कूच करूंगा। गौराम खान फौरी कूच के लिए जिद कर रहा है। गौराम जज्बाती नौजवान है, उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है और अगर उसने कुछ का फैसला कर लिया है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। नर्सबंद जी सरदार, गौराम से कह दो कि वह आज ही लाशार कबाइल को साथ लेकर तरामूला के रास्ते गंदावा और गजान की तरफ कुछ करे। चंद दिनों के बाद हम खुद तरामूला के रास्ते सीवी की तरफ कुछ करें।
इलाकों से आने वाले खाना बदोशों ने हमारे कई सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया और हमारे महाफिस उन्हें रोकने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आली मर्तबत, बात बात पे कट मरने वाले नवारिद बलोच जो ताइफा लाशार कहलाती है अपने अमीर गोहराम के इशारे की मुंतजर रहती है। ये लोग अपने सरदार का इशारा पाते ही आगे बढ़कर हमारे इलाकों पर कब्जा जमा लेते हैं। आलीजा, हमारे पास सरहदों की हिफाजत के लिए बाकायदा फौज नहीं है, इसलिए हम हमलावर लश्कर को पर वक्त आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कच्ची के लोग खुशहाल और अमन पसंद है, इसके अलावा हमें कभी किसी बैरूनी हमलावर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए हमने कभी सरहदी फौज रखने की जरूरत महसूस ही नहीं की। आलीजा, उनकी तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। उनका लेजा तीर की मानिंद और बात तलवार की नोक पर है। अगर हमने उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की तो उनके हौसले बुलंद होंगे और वो मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो। हमें इस बढ़ते खतरे का पूरी तरह एहसास है और उनसे निमटने के लिए अपने आली मकाम जाम नंदा निजामुद्दीन से फौरी कुमक की दरखास्त की है। कुमक मिलते ही हम उन पर भरपूर हमला कर देंगे और उन्हें अपने इलाके से निकाल कर दम लेंगे। दोस्तों, कूच तो सुबह करना है, क्या ये अच्छा हो कि आज रात इस महफिल की इब्तदा पीर की कलाम से की जाए? वाह वाह वाह, बिल्कुल क्या बात। क्यों पीर? ठीक है ठीक है। सरदार शेख की अचानक बीमारी की वजह से कल सुबह की कोच मुल्तवी कर दी गई है। अल्लाह खैर करे।